नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ RPF कांस्टेबल जिसका एग्ज़ाम आज आपके 21 दिसंबर को था। इसके प्रथम प्लस द्वितीय पारी के जो भी मेरे को 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन मिले हैं वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है और इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 512 लाइक का। आई होप आप कंप्लीट कर देंगे, तो फटाफट इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी एजुकेटर हूँ, जहाँ पर मैं विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम के क्रैश कोर्स अवेलेबल कराता हूँ। और अभी मैंने वहाँ पे रेलवे RPF स्पेशल सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक प्लस टॉप 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर किए हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और वहाँ पर मेरा नाम जसराज चौधरी सर्च करके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए। दोस्तों अभी तक मेरे को 21 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं मिले हैं। यदि आज आपका पेपर तृतीय पारी में था तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके शिफ्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए। यहाँ पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी क्वेश्चन बताऊँगा वो आपके 100% रियल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं 21 दिसंबर के सेकेंड पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए, उसके बाद देखेंगे प्रथम पारी के। तो आपके द्वितीय पारी का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों प्रथम पारी में आया था CK नायडू ट्रॉफी और सेकेंड शिफ्ट में आया है ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है और 2017-18 में इसकी चैंपियन टीम रही थी वो थी विदर्भ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का नाम पूछा है आपको। तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम है माया देवी, क्या है, माया देवी है। और पिता का नाम है सुधोधन और उनकी वाइफ का नाम है, जीवन साथी है राजकुमारी यशोधरा है उनकी जीवन साथी। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुई है कुशीनगर में और उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है बोध गया जो कि बिहार के अंदर है, बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और लुम्बिनी है अभी वर्तमान में नेपाल के अंदर, कुशीनगर ये इंडिया में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर का चौथा युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा आंगल मैसूर युद्ध है, मैसूर ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ये आपके 1798 में हुआ था दक्षिण भारत में। किनके मध्य हुआ है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन वर्सेज मैसूर साम्राज्य के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की आपको करेंसी पूछी है। तो विदेशों की करेंसी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर पूछी जा रही है बाह्य कंट्री की। तो सिंगापुर की यहाँ पे करेंसी है सिंगापुर डॉलर है, क्या है, सिंगापुर डॉलर है। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर खुद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बंगाली टाइगर, बाघ है, बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का आपको केमिकल नाम पूछा था। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, बाकी और भी विटामिन है जैसे कि विटामिन सी का रासायनिक नाम यदि पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा आपके एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ई का है टेकोफेरॉल, क्या है, टेकोफेरॉल है। विटामिन डी का यहाँ पे कॉल्सिफेरॉल और एर्गो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन के का है दोस्तों फिलोक्विनोन और मेनाक्विनोन है विटामिन के का। विटामिन B1 का थाइमिन है। विटामिन B12 ये भी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालमिन है। विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, ये सभी आपकी बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके हूबहू रेलवे ALP और ग्रुप डी से रिपीट हो रहे हैं। यदि आपको रेलवे ALP के ऑल ऑफिशियल शिफ्ट की PDF फाइल चाहिए जहाँ पर आपके 2250 क्वेश्चन सम्मिलित है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मात्र आप 20 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ साथ यदि आप रेलवे ग्रुप डी के रियल क्वेश्चन की PDF फाइल चाहिए जहाँ पर आपके 1350 क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व हैं, ये भी आप मात्र 20 रुपये का पेमेंट करके डाउनलोड कर सकते हो, 200 पेज की PDF फाइल रहेगी। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला PM है इंदिरा गांधी, जो कि थर्ड प्रधानमंत्री हैं। प्रथम है जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड है लाल बहादुर शास्त्री और बीच में जवाहरलाल नेहरू के बाद गुलजारी लाल नंदा भी रहे थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री।
और उनका ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा है प्रधानमंत्री के रूप में 1966 से 1977, उसके बाद एक बार और बनी थी 1980 में, 1980 से 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो दोस्तों थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड की जो करेंसी है वो है आपके भात है। क्या है? भात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC की फुल फॉर्म आपको पूछी है, बिल्कुल ईजी है, जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पूछा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2 होता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं CaClO का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो ओनियन के अंदर, यदि प्याज की वनस्पति कोशिकाओं के अंदर 16 गुणसूत्र होते हैं, जबकि प्याज की प्रजनन कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं। आप मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यहाँ पे कौन से ऑप्शन है वो दिए गए हैं, यदि आज आपका सेकेंड शिफ्ट में पेपर था तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री वो है सुरेश प्रभु। अगला है, राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाँचवीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है? तो पाँचवीं जो शेड्यूल है उसके अंदर विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है, शेड्यूल नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम हो जाएगा केरल की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुलर झील कहाँ पर है? तो ये वुलर लेक है, जम्मू कश्मीर राज्य में है वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 2018, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के CEO कौन है या फिर MD कौन है? तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है सुरेश सेठी। कौन है दोस्तों? सुरेश सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका रीजनिंग का है, 91 के बाद 103 के बाद 127 के बाद 175 है, तो नेक्स्ट अंक क्या होगा? तो यहाँ पर 12 का गैप है, उसके बाद आपका 12 का दोगुना 24 का है, उसके बाद 24 का दोगुना हो जाएगा आपके 48 और 48 का दोगुना हो जाएगा 96। तो यहाँ पे 175 प्लस 96 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 271। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो एनिमल्स के क्लासिफिकेशन का जो स्टडी की जाती है वो टैक्सोनॉमी के अंदर की जाती है। अब देख लेते हैं प्रथम पारी, 21 दिसंबर के प्रथम पारी में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए। बाकी इन सभी क्वेश्चन की आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो प्रथम पारी का पहला क्वेश्चन आ रहा है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है लखनऊ। इसके अलावा यहाँ पे मुख्य जो सिटीज़ है वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? जैसे कि अहमदाबाद है साबरमती के किनारे, हैदराबाद है मूसी नदी, नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, आगरा है यमुना नदी के किनारे, जबलपुर सिटी है नर्मदा नदी के, कोटा सिटी है चंबल नदी के, वाराणसी है गंगा नदी के किनारे, कोलकाता इंपोर्टेंट है हुगली नदी के किनारे, सूरत ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ताप्ती नदी के किनारे, पटना गंगा नदी के किनारे, और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का लोक नृत्य, तो झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो है छऊ। बाकी और भी स्टेट जिनके प्रसिद्ध लोक नृत्य आप यहाँ पे ट्रिक सहित देख सकते हो, जैसे कि केरल है तो करेले की कथा कथकली हो जाएगा, पंजाब का है भांगड़ा, पंजे में भांग डालो भांगड़ा हो गया पंजाब का, राज तुम घूमो राजस्थान में घूमर है, असम में बिहू है, ये क्वेश्चन आपके आ चुका है बिहू वाला, अरुणाचल प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है मुखोटा, गुजरात का गरबा, झारखंड का छऊ, उत्तराखंड का है गढ़वाली, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, छत्तीसगढ़ का गाड़ी, हिमाचल प्रदेश का धमान, गोवा का मंडी, पश्चिम बंगाल का काठी, नेक्स्ट है मेघालय का लाहो, नागालैंड का चोंग है, उड़ीसा का ओडिशी है, कर्नाटक का यक्षगान है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, और यूपी का है रासलीला। यहाँ पे ट्रिक सहित आप इजीली याद कर सकते हो, PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अजरुद्दीन कहाँ के MP रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं? तो मोहम्मद अजरुद्दीन जो कि भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो 2009 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ के MP रह चुके हैं।
अर्जेंटीना की आपको कैपिटल पूछी है प्रथम पारी में, तो वो हो जाएगी आपके ब्यूनस एरियस हैं, और अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है आपके पैसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों हीलियम को HE से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत है ये, और जो राष्ट्रपति से संबंधित और भी आर्टिकल है जैसे कि आर्टिकल नंबर 54 है ये बतलाता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है आर्टिकल 55, राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल है वो 56 के अंतर्गत आता है, और आर्टिकल नंबर 57 बताता है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आर्टिकल 59 है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, और आर्टिकल 60 है राष्ट्रपति को शपथ, और आर्टिकल 61 है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया है, ये आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल, और लोकसभा सदस्य का होता है 5 वर्ष, प्रति 3 वर्ष यहाँ पे कार्यकाल जो सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, यहाँ पे सॉरी प्रति 3 वर्ष नहीं प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य हैं वो चेंज होते हैं राज्यसभा में, और ये क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, और उनका कार्यकाल रहा है 2007 से 2012 तक, जो कि 12वीं राष्ट्रपति हैं भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश के फाउंडर कौन है, तो लोधी वंश के फाउंडर हैं बहलोल खान लोधी, और लोधी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी, और यहाँ पे लोधी वंश की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था जो कि 1451 से लेकर 1526 इसका काल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी गुप्त वंश, चंद्रगुप्त है ना, एक चंद्रगुप्त है समुद्रगुप्त है, तो गुप्त वंश के शासकों ने बनवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो भारत के जो गृह मंत्री हैं वो है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का किला कहाँ पर है, तो ये है यूपी में, जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, और इसका निर्माण कार्य शुरू किया था अकबर ने। अगला क्वेश्चन है मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो मेजर ध्यानचंद है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र का देवता कौन से प्लानेट को कहा जाता है, समुद्र का देवता नेपच्यून को कहा जाता है, हिंदी में बोले तो वरुण ग्रह को समुद्र का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, CK नायडू ट्रॉफी ये क्रिकेट से है। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपको फॉर्मूला पूछा है, तो HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अपवर्तनांक पर आपका एक क्वेश्चन था, एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात करें अपवर्तनांक की तो इसकी परिभाषा होती है किसी माध्यम, कोई भी मीडियम है माध्यम है जैसे जल हवा कांच आदि है, इसका अपवर्तनांक है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वह संख्या होती है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष कितने गुना कम है या फिर कितने गुना अधिक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पदार्थ की जिनके अपवर्तनांक क्या होगा, जैसे कि निर्वात वैक्यूम का 1 होता है अपवर्तनांक, डायमंड का होता है 2.41 होता है, जल का 1.33 होता है, ग्लिसरॉल का 1.47 होता है, एयर का या जो वायु है उसका होता है 1.00293, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.00045, और ग्लास या जो कांच है उसका होता है 1.5। तो आई थिंक इसमें से कोई क्वेश्चन बना होगा, किसी भी पदार्थ का पूछ लिया गया है अपवर्तनांक क्या होगा। अब देख लेते हैं 20 दिसंबर के वो क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने बाद में कमेंट करके बताए हैं। इस प्रकार यदि आज आपका पेपर था तो आप भी कमेंट कर सकते हो। विश्व पुस्तक मेला 2018 की थीम पूछी थी कल, तो इसकी थीम है क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर पोल्यूशन। एक क्वेश्चन था सिकंदर कहाँ का राजा था, तो सिकंदर राजा थे मैसेडोनियन के राजा थे सिकंदर। नेक्स्ट है हीरे के चमकने का कारण, तो हीरे के चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 9 जनवरी 1923 में हुई थी, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई, तो अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में हुई थी, ये की थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, ओके VD सावरकर और आपके GD सावरकर ने की थी। प्रथम ब्राह्मण वंश कौन सा है,
तो दोस्तों प्रथम ब्राह्मण वंश है शुंग वंश। कौन सा है? शुंग वंश है। एक क्वेश्चन था कि अब्दुल कलाम के स्टैचू का उद्घाटन किसने किया, जो कि रामेश्वर में अब्दुल कलाम का स्टैचू बना है उसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे जुड़ी हुई और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आए आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।